झारखंड कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी छवि रंजन कथित अवैध भूमि सौदों में धनशोधन की जांच के सिलसिले में गुरुवार को ED ऑफिस पहुंचे। छवि रंजन तकरीबन 11 बजे ED ऑफिस पहुंचे। यहां उनसे भूमि घोटाला केस में पूछताछ शुरू हो चुकी है। रांची सेना जमीन घोटाला केस में ED के सामने यह छवि रंजन की दूसरी पेशी है। इससे पहले छवि रंजन से 24 अप्रैल को 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। तब अधिकारियों ने उनसे अलग और फिर गिरफ्तार 7 आरोपियों के सामने बिठाकर पूछताछ की थी। आरोपियों ने IAS छवि रंजन के सामने कबूल किया कि उन्होंने वही किया जो उन्हें छवि रंजन ने करने को कहा था। हालांकि छवि रंजन ने आरोपों से इनकार किया था। ED ने छवि रंजन से उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा है। गौरतलब है कि 13 अप्रैल को ED ने जमीन घोटाला केस में IAS छवि रंजन के रांची और जमशेदपुर स्थित आवास और सिमडेगा हजारीबाग सहित पश्चिम बंगाल बिहार के 18 ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी में खुलासा हुआ कि फर्जी डीड और दस्तावेजों के सहारे रांची में करोड़ों रुपए की जमीन अवैध तरीके से बेच दी गयी। इस मामले में कोलकाता के अधिकारी त्रिदीप मिश्रा और रांची के डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी से भी पूछताछ हो चुकी है। बताया जाता है कि ED को मामले में जितने सबूत मिले हैं उनसे छवि रंजन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सूत्रों ने कहा कि इस धोखाधड़ी के तहत गरीबों और दलितों की जमीनों को हड़प लिया गया। PMLA के तहत अपनी जांच शुरू करने के लिए संघीय एजेंसी ने रांची में अधिकारियों द्वारा दर्ज कुछ व्यक्तिगत पहचान दस्तावेजों की जालसाजी से संबंधित पुलिस प्राथमिकी का संज्ञान लिया। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने तलाशी के दौरान कई फर्जी मुहरें, जमीन के कागजात और रजिस्ट्री दस्तावेज बरामद किए थे। ये दूसरा मामला है जिसमें झारखंड कैडर का कोई IAS अधिकारी ED की जांच के दायरे में आया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।